बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जी क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मेरे घर में आए थे बहुत ही स्पेशल गेस्ट, मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल हैं। और वो हैं, एक तो मेरे छोटे भाई हैं और दूसरा मेरे मसेर यानी कि मेरी खाला के बेटे हैं, यानी कि मेरे कज़न हैं। तो उनके लिए मैंने 2-3 डिशेज़ बनाई थी, तो मैंने सोचा कि आप साथ भी शेयर करती हूँ। तो एक्चुअली उन्होंने ना जाना था लाहौर में, वहाँ पर जाके उन्होंने अपना करवाना था मेडिकल। ये ना जा रही हैं यूके, बरतानिया जा रही हैं, तो वहाँ पे जाने के लिए ना उन्होंने करवाना था अपना मेडिकल। साथ में उनके 2 छोटे छोटे क्यूट से बेटे थे और उनमें से एक बेटे का नाम है मोइस और एक का नाम है मुआज। तो मेरे भाई का नाम है कासम और मेरे जो मसेर है ना उनका नाम है उबैदुल्ला। कासम को हम वैसे तो काशी काशी कहते हैं, लेकिन उसका असली नाम कासम है, मतलब कि सही नाम कासम है, लेकिन वैसे हम लाड़ प्यार से ना उसको काशी काशी कहते थे, तो उसका नाम काशी बन, मतलब काशी पक गया ना। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टेड और मज़े की बात बताती हूँ। हुआ कुछ यूँ कि जब मैंने ये वाला कस्टर्ड उनके सामने ला कर रखा था ना, तो मैंने अपने भाई से और अपने मसेर से पूछा कि गैस करके बताएं कि ये जो मैंने कस्टर्ड जो है गार्निश किया हुआ है फ्रूट केक से और ड्राई फ्रूट से, तो आप बताओ कि ये मैंने कौन से लफ्ज़ इसके ऊपर लिखी हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम यूके जा रहे हैं, तो जो मेरे मसेर हैं वो कहती हैं ये तो आपने यूके लिखा हुआ है, और जो मेरे भाई काशी हैं वो भी कहने लगे कि आपने यूके लिखा हुआ है। तो मैंने कहा जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये यूके नहीं है, ये है आप दोनों का नाम यानी कि उबैदुल्ला और काशी। तो वो इतना हंसे, वो कह रहे थे कस्टर्ड तो मज़े का है ही, लेकिन ऊपर जो आपने हमारे नाम लिखे हैं ना, तो इससे जो कस्टर्ड का जायका वो और भी दुबला हो गया। तो उनको बहुत ही पसंद आया था, इतना खुश हो रहे थे ना वो। और कस्टर्ड है भी बहुत ही मज़े का था, बिल्कुल ठंडा यख यानी कि चिल किस्म का कस्टर्ड था, तो उनको माशाल्लाह से बहुत ही पसंद आया था। और वैसे भी जो आपने खाने बनाई होती हैं किसी के लिए इतनी प्यार से मोहब्बत से और मेहनत से बनाई होती है ना, तो जब वो खाती हैं उनको अच्छे लगती हैं और वो तारीफ़ करती हैं ना, तो आपकी सारी थकावट जो होती है वो दूर हो जाती है और आपका दिल भी खुश हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ना 3-4 डिशेस बनाई थी, कस्टर्ड हो गया और साथ में शामी कबाब बना लिए थे, साथ में सलाद बनाई थी और रायता वगैरह, और साथ में मैंने बनाया था बीफ कोरमा। तो साथ में मैंने सोचा कि नान मंगवाती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने नान नहीं खाने, आप रोटियाँ बना लो। तो मैंने उनके लिए रोटियाँ बनाई और साथ में बोतलें ड्रिंक्स जो भी होते हैं ना बच्चे थे ना साथ, मैंने उनके बच्चों के लिए जूस मंगा लिया था और उनके लिए मैंने बोतलें मंगवाई। तो साथ में सादा पानी, मतलब कि छोटी सी दावत रखी थी ना उनके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आया, हम सब ने मिल के बैठ के साथ में खाना खाया, तो बच्चे भी खुश हो रहे थे कि हमारे मामू जो हैं वो काफ़ी देर के बाद आए हैं और उन्होंने बाहर भी चले जाना है, तो बच्चे बहुत ही खुश हो रहे थे। तो इन सब खानों की मैं वीडियो तो नहीं बना सकी, मतलब कि बकायदा से जब खाना बना रही थी ना तो साथ साथ में वीडियो नहीं बना सकी, तो मैंने सोचा कि जब तैयार कर लूँगी तो फिर आपको दिखाऊंगी। क्योंकि जो मटन सॉरी बीफ कोरमा है ना, इसकी जो रेसिपी है ना वो तो मैंने पहले से ही अपलोड की हुई है, और शामी कबाब की भी, बाकी कस्टर्ड जो है ये भी मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। कस्टर्ड ख़ास तौर पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेहमानों को बहुत पसंद आया था, तो इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह ताला किस दिन शेयर करूँगी। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे और मेरे मसेर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। उनके लिए ख़ास तौर पे दुआ करिएगा कि उनको और उनके छोटे छोटे क्यूट से बच्चों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और उनको खैर खैरियत से अपनी मंजिल मकसूद तक ले जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर उबैदुल्ला के लिए शायरी की 2 लाइनें हैं। शायर कहता है कि कल परदेश में याद आएगी ध्यान में रख, कल परदेश में बहुत याद आएगी ध्यान में रख, अपने शहर की मिट्टी भी अपने सामान में रख। वैसे तो काफ़ी लंबी गज़ल है, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पे ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि अपने मसेर को मैं क्यों उदास करूँ। तो अल्लाह ताला उनको खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो फिर मिलती हैं अगली नई और बहुत ही मज़े की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।